हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष। तो भाई, आज की जो ये वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड यूज़फुल रहने वाली है उन पेरेंट्स के लिए जिनके छोटे बच्चे उनसे हमेशा ही मोबाइल की ज़िद करते रहते हैं, भले ही गाड़ी में क्यों ना ड्राइव कर रहे हों वो बच्चे। काफ़ी बार ऐसा होता है, हम कहीं पर रुके हुए हैं और ऐसे में जो छोटा बच्चा है आपका मोबाइल मांगने आपसे लग जाता है, भले ही आप अपने मोबाइल में कुछ काम क्यों ना कर रहे हों। तो ऐसे में उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारी दिक्कतें शायद गूगल वालों को भी पता थी और उन्होंने नए एंड्रॉयड अपडेट के अंदर गेम्स भी डाल दिए हैं आपके एंड्रॉयड सिस्टम में, एंड्रॉयड ऑटो में। ये एक नया फीचर है, मतलब मुझे तो अभी मालूम चला, हो सकता है काफ़ी लोगों को पहले से पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो यहाँ पर इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे एक्टिवेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपनी जो केबल है ऑफकोर्स उसको मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेना है ताकि एंड्रॉयड आपका चालू हो जाए आपके सिस्टम पे। तो एक मिनट मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं फ़ोन को कनेक्ट कर दिया है केबल से और यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो जो है वो आपको दिखाई दे जाएगा। अब जब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे बाय डिफॉल्ट ये जो मैप की स्क्रीन है वो आपको नजर आ जाएगी। उसके बाद ये जो व्हाइट कलर का यहाँ पर आइकन है आपको यहाँ जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपकी जो एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में एक्टिव हैं वो यहाँ पर सारी विजिबल हो जाएंगी। तो एक बार मैं एसी थोड़ा ऑफ कर देता हूँ, शायद हवा आ रही होगी। अब यहाँ पर गेम स्नैक की एप्लीकेशन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रही है, तो उसके लिए आपको कस्टमाइज पे जाना है। तो अनलॉक फोन टू एक्सेस ऐप लॉन्चर कस्टमाइजेशन बोल रहा है, इसका मतलब है मुझे फ़ोन को अनलॉक करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं फ़ोन को अनलॉक करूंगा यहाँ पर ये जो एप्लीकेशंस हैं ये आपको दिखाई दे जाएंगी, जो जो एप्लीकेशंस यहाँ पर विजिबल हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आपको एक एप्लीकेशन है गेम स्नैक करके, ये देखिए। तो ये जो गेम स्नैक एप्लीकेशन है इसको आपको चेक कर लेना है। रीस्टार्ट एंड्रॉयड ऑटो फॉर चेंज टू टेक इफेक्ट, तो इसके लिए एक बार इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब केबल को निकाल के दोबारा लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर ये विजिबल हो जाएगी एप्लीकेशन और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के गेम्स जो हैं इसमें खेले जा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ये आइकन देखने को मिल जाएगा। अगर तब भी नहीं दिखता तो एक बार आप अपने एंड्रॉयड ऑटो को अपडेट कर लें, उसके बाद आपको ये जो है दिखाई दे जाएगा आइकन अपनी स्क्रीन पे। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये कह रहा है गेम्स आर ओनली प्लेबल विद योर टच स्क्रीन, दैट्स फाइन। तो अगर मैं गेम लगाऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं गेम स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह का आप जो है यहां पर गेम देख सकते हैं, ये टच गेम है कंप्लीटली। तो इस तरह से आपके जो बच्चे हैं वो एंजॉय कर सकते हैं इस गेम को, ये देखिए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अट्रैक्टिव रहने वाला है और मुझे तो काफी पसंद आया, तो आई एम श्योर छोटे बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो इसी तरह से यहां पर जो है आपको और भी गेम्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक जू बूम करके यहां पर एक और है गेम, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो आई एम श्योर ये जैसे कैंडी क्रश था उस टाइप का गेम है ये। तो इस तरह के गेम्स जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। तो तकरीबन 8 गेम्स हैं जो कि आई थिंक आपके छोटे बच्चे अगर यहां पर बैठे हुए हैं तो वो एंजॉय कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि काफी सारी गाड़ियों के अंदर ये एप्लीकेशन तभी चलेगी जब आपकी हैंड ब्रेक जो है ऊपर होगी, बट फिलहाल इसके अंदर हैंड ब्रेक नीचे थी बट तब भी गेम्स चल रहे थे। अब एक बार गाड़ी चला के देखते हैं कि क्या तब भी ये गेम्स चल रहे हैं कि नहीं, तो एक बार वो भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैं एक बार हैंड ब्रेक को नीचे करता हूं। और उसके बाद एक बार गेम चला के देखेंगे इसके अंदर कि क्या गेम चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट करा गेम अभी और गाड़ी आप देख सकते हैं स्टार्ट ही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया नॉट अवेलेबल वाइल ड्राइविंग, तो विच इज़ फाइन। ये एक तरह का सिक्योरिटी फीचर है, सेफ्टी फीचर है ये एक।
जो कि हर गाड़ी में है और होना भी चाहिए मेरे हिसाब से, तो जिसमें कि आप जो है चलती हुई गाड़ी में इन गेम्स को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगर गाड़ी रुकी हुई है तभी जो है गेम्स खेले जा सकते हैं। तो नेक्सॉन में पार्किंग ब्रेक लगानी ज़रूरी नहीं है, तब भी जो है अगर आपकी गाड़ी रुकी हुई है तो भी जो है ये गेम्स इसके अंदर खेले जा सकते हैं। तो गाइज ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो, आई थिंक आपके छोटे बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और उन पेरेंट्स के लिए भी जो लोग परेशान रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जाने से पहले एक थम्स अप जरूर दे देना एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।